हूँ, तो आपको मैं पहले आप 1 इंच का निशान लगा देंगे, उसके बाद में आपने 41.5 लंबाई है तो 41.5 का निशान लगा दिया। इसका इन साइड जो है 32 है, ये स्लिम फिट है, तो ऊपर से 9.5 इंची पे और इनसाइड का जो मेजरमेंट है नीचे से लेकर के और ये 2 इंच ऊपर एक निशान लगा देते हैं, जैसे और भी मैं वीडियो में बताया। चौगा 36, 1 2 3, इसका 24 इंची थाई है, तो निशान को सीधा ले लेंगे। इस वीडियो में 1-2 में टिप्स मैं बताने वाला हूँ, आप शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि मैं और बताऊं तो आपको पता चल सके। मेरा कटिंग में कहीं ना कहीं आपको अच्छा सा कोई पॉइंट सीखने को मिलेगा, लेकिन शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। अभी लाइन को आपने सीधा कर लेना है, अब इसका जो है हिप जो है 37 है, तो 37 है तो आप ये जो निकालेंगे कितना निकालेंगे, इसमें क्या होता है ये 37/24, ठीक है, ये आएगा 1.54 आएगा, ठीक है, इतना ये आएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, 1.5 इंची निशान लगाना है, कमाल की बात है ना। 37 हीप हो गया, तो इसमें आप भाग 24 से करेंगे प्लस 150, ये 1 तो ये 54 है, तो इसमें हमने 1.5 इंची के ऊपर निशान लगाना है। तो आपको ये भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे 37 हो गया, 38, 40, 42, कोई भी साइज़ में आपको निकालना है, तो मैं एक फार्मूला भी इसका बताया हुआ पॉइंट में, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं ताकि और आपको और भी आसानी हो जाए, ठीक हो गया। तो ये निशान को आपने सीधा ले लेना है, सीधा लेने के बाद में यहाँ से आपको 1/2 इंची एक लाइन क्रॉस कर देना है। मेरा हर एक वीडियो देखेंगे आपको हर एक चीज़ उसमें कुछ नए नए चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर हाफ हाफ देख रहे हैं, हाफ बंद कर दे रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मेरा कटिंग देखते हैं तो पूरा देखिए ताकि आपको पूरा मालूम हो। 32, 31.5 इंची कमर है, तो एक लाइन कम 8 इंची हो, तो एक लाइन कम 9 इंची हो गया। अब यहाँ से आपने 1.5 इंची एक लाइन का निशान लगाना है और इस जगह से आपको 7.5 इंची का,
यहाँ से मारी 14 है तो 3.5 इंची और 7 इंची ये 17 इंची है तो 4.25 इंची 4.8 इंची इसको स्केल को हमेशा आप इस तरीके रखिए, आप इस तरीके से नहीं रखिए या ज़्यादा इसे ये वाला स्केल आप सीधा नहीं रखिए, ठीक है। देखिए मैं सीधा निशान लगा दे रहा हूँ, कितना इसमें फर्क पड़ जा रहा है। आप यहाँ से 4 इंची 5 इंची जो है ना स्केल घुटने से नीचा होना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं से ये वाला स्केल यहाँ से यहाँ लगा दे, आपको लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप इस तरीके से स्केल ना लगा दें, यहाँ से स्केल लगाएंगे आपको ज़्यादा राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये ऐसा वाला स्केल है तो 4 इंची 5 इंची ये जो निशान है घुटने का इससे आप रखेंगे इस तरह। कटिंग में छोटी छोटी जो है ना पॉइंट होता है, छोटा छोटा चीज़ होता है, नहीं तो कटिंग का तो सबका एक ही हिसाब होता है, कटना पॉइंट है कोटे है, लेकिन कोई आदमी का देखिए उसका कटिंग देखने का, यानी हम भी किसी का कोट देखते हैं कटिंग या पैंट तो बोलते हैं यार ये इसका कटिंग साफ है अच्छा काटता है, तो वैसा होना चाहिए, नहीं तो काटने के लिए तो कोई भी चटाई के ऊपर ही रख के काट देता है। तो इसलिए आप ध्यान से देखें और पूरा मारिक को समझें ताकि आप कहीं पर भी कटिंग करें तो आपको ज़्यादा कोई अल्टर ना निकाल सके। अब यहाँ से यहाँ आराम से ये अब देखिए यहाँ पे कितना फ़र्क हो गया। उसी तरह आप मैं यहाँ से ये वाला स्केल निकाल दूँ तो इधर भी मेरा लूज हो जाएगा, इधर भी लूज हो जाएगा, आपका क्रच में क्या होगा लूज हो जाएगा। अगर मैं ज़्यादा इसको नीचे रख करके लगा दूँ मारिक तो यहाँ पे फिटिंग ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए ये 2 पॉइंट अंदर जा रहा था, 2 पॉइंट की वजह से ये ज़्यादा टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो स्केल रखने का भी आपको तरीका होना चाहिए और स्केल रखने का भी देखना चाहिए कि कितना कौन से जगह पे कितना नीचे रख रहे हैं कितना ऊपर रख रहे हैं। ये नहीं से बस यार स्केल तो रख रहा है ना, स्केल का रखने का तरीका भी आपको होना देखना चाहिए से स्केल नीचे लेके ज़्यादा जा रहे हैं कि ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, समझे। मुझे एक दोस्त ने मुझे वीडियो शेयर किया था, काटने के लिए काट रहा है वो पॉइंट कोट, लेकिन उसका जो तरीका मैं देखा बोलता है सर आप ही का मैं वीडियो देख करके कटिंग किया हूँ, आप थोड़ा मेरा वीडियो देखिए कैसा है। तो मैं देखा तो उसको ज़्यादा परेशानी मुझे यही लगा स्केल का, तो इसलिए मैं उस चीज़ को आप सबके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सबको भी पता चल सके। यहाँ से 1/4 इंची डाउन कर देंगे ताकि यहाँ पे नम नहीं होगा, ये बेल्ट लगाने के बाद में पूरा ये सामना आपका यहाँ पे नम नहीं होगा, एकदम ये टाइट रखेगा, ये पूरा स्लिम फिट है। ये आपका 31.5 इंची हो गया, ये आपका 24, ये 17 और वो 14। तो देख लिए ये फ्लाई का मैं हिसाब बता दिया हूँ, तो अब इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आप ये 38 हो गया तो 38 के हिसाब से, 42 हो गया तो 42 के हिसाब से आप कोई भी साइज आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से।
आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं इसका बैक कटिंग करके दिखा रहा हूँ तो आप वो भी देख लीजिए ताकि इसका कंप्लीट पता चल सके। ओके बाय।